গতকাল আমরা শুনলাম মোদির মুখে সন্দেশখালী প্রসঙ্গ। সন্দেশখালীর মা বোনেদের আর্তনাদ শুনেননি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। তিন বছর পর বঙ্গ সফরে এসে সন্দেশখালীর যন্ত্রণার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে। শুক্রবারই আরামবাগ থেকে সন্দেশখালীতে হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করলেন নরেন্দ্র মোদি। সন্দেশখালীর ঘটনায় তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ মোদি। মা মাটি মানুষ ये इसके ढोल पिटने वाली पीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर राजा राममोहन राय उनकी आत्मा आज रोती होगी। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब दो महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? প্রশ্ন করলেন যে এমন টিএমসি কে আপনারা কি মাফ করবেন? রাজ্যে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ আর শিক্ষক নিয়োগ থেকে পৌরসভা নিয়োগ সব জায়গাতেই দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। গণিতের রেশনে দুর্নীতি, সীমাদি পশু পাচার সবেতেই দুর্নীতি করেছে। আর সে কারণেই তৃণমূলের মন্ত্রীদের ঘর থেকে নোটের পাহাড় বার হচ্ছে। এর আগে এত বড় নোটের পাহাড় দেখেছেন কি? প্রশ্ন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টিএমসি রে यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्युनिसिपालिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहाँ गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। नोटों के ढेर आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं? देखे देखे नहीं? देखे क्या? कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे कभी? सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने? আরামবাগে জনসভা থেকে একের পর এক প্রশ্নবান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। শাসক দলের বিরুদ্ধে সরবরাহ এবং অবশ্যই দুর্নীতি নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়াই নাকি মোদি দুশ্মন নাম্বার ওয়ান, এমনটা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर वन मानती है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদি বলছেন যে সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাংক বানিয়ে রাখার দিন শেষ আর এবার তৃণমূলে দর্পচূর্ণ করবেন এই সংখ্যালঘু মা বোনেরাই। আরামবাগে জনসভা এবং সেই জনসভা থেকে শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ শোনালেন প্রধানমন্ত্রী। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। এদিন জনসভা থেকে শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের কথাই না, শুধুমাত্র সন্দেশখালী প্রসঙ্গ না বা দুর্নীতি নিয়ে কথা বললেন না প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আরও একবার আরামবাগের এই সভা থেকে ইন্ডি জোটকেও আক্রমণ শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ বঙ্গাল কি জনতা ইয়াহ কে মুখ্যমন্ত্রী দিদি সে পুছ রহি হ্যায়, ক্যা কুছ লোগো কা ভোট आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान मुंह, गांधी जी को जो तीन बंदर दे रहे हैं उन तीन बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। আবাস যোজনা থেকে শুরু করে 100 দিনের কাজ কিংবা একাধিক প্রকল্পে যেখানে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে বারবার অভিযোগ করেছে রাজ্যের সরকার, সেখানে রাজ্য সরকারকে একটা যোগ্য জবাব দিলেন এদিনের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি পরিষ্কার বললেন যে রাজ্য সরকারের জন্যই বাংলার বুকে আটকে রয়েছে একাধিক কেন্দ্র প্রকল্প। টিএমসি কি সরকার কে রবে কে কারণ পশ্চিম বঙ্গাল কা বিকাশ प्रभावित हो रहा है। झारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही। बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख हमने स्वीकृत किए हैं, लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। हर घर जल देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं, उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए?